मुस्लिम राजनीति के टॉप नेताओं में असदुद्दीन ओवैसी का नाम है, लेकिन उनके मंच से ऐसे जहरीले वाकये हुए देश के सामने ऐसी तस्वीर आई जो अब सवालों में घिर गई है। ये दोनों ही तस्वीरें आपके सामने, कलबुर्गी में वारिस पठान से 15 करोड़ बनाम 100 करोड़ का बयान वारिस पठान ने दिया, तो बेंगलुरु में पाकिस्तान के समर्थन में नारे लग गए। हालांकि बाद में ओवैसी ने सफाई भी दी, लेकिन हिंदू मुसलमान की सियासत के शोले तो भड़क ही गए। सबसे पहले आपको दिखाते हैं ओवैसी के सामने लड़की ने क्या नारा लगाया। हमको बोला, वहां बहनों को आगे भेज दिया, कुछ ब्लैंकेट पर बैठ गए। अरे भाई, अभी तो सिर्फ शेरनिया बाहर निकली है और तुम्हारे पसीने छूट गए, और समझ लो अगर हम लोग साथ में आ गए तो क्या होगा। 15 करोड़ है मगर 100 के ऊपर भारी है, याद रख लेना ये बात। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाकिस्तान। क्या बोल रहे आप? एक मिनट। नहीं मत बोलिए आप। नहीं, यू कैनॉट से दैट। व्हाट आर यू सेइंग? नो, यू कैनॉट से दैट। नो, यू कैनॉट से दैट। यू कैनॉट से दैट। नो, यू कैनॉट से दैट। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान। मैं आपने देखा होगा कि जैसा मैंने सुना, मैं दौड़ कर आया, मैं नमाज पढ़ने पीछे जा रहा था, मैंने जैसा ये वाहियात नारे सुने, वाहियात नारे सुने, मैं सामने तेज चल कर आके उनको रोका मैं, और उसके बाद आप देखें उनको हटा दिया गया। मैं इसको कंडेम करता हूं, और ये लोग पागल हैं, इनको देश से कोई मोहब्बत है ना ही, इनको करना है जाकर और जा करें, यहां क्यों आए कर रहे हैं लोग, ये कंडेमनेशन है, मैं इसे कंडेम करता हूं, ये कभी बर्दाश्त नहीं किया जाए इस तरह की हरकत को। ओवैसी के मंच से नारे लगाने वाली लड़की को जेल तो भेज दिया गया, लेकिन खुद असदुद्दीन ओवैसी पर अब कई सवाल उठ रहे हैं। हालांकि वो ये कह रहे हैं कि मैं इस घटना की निंदा करता हूं, लेकिन राजनीति का तूफान तो अब इन घटनाओं को लेकर शुरू हो ही चुका है। किसी भी हालत में अगर कोई भी अगर पाकिस्तान जिंदाबाद बोलेगा तो हम वो बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। हमारा पार्टी 130 साल पुराना पार्टी है, तो बहुत सारे लोग आते हैं, अगर कोई ऐसा अगर कोई स्टेटमेंट बोलेगा कि पाकिस्तान जिंदाबाद, उसके अगेंस्ट हम डेफिनेटली एक्शन लेना चाहिए और हम भी लेंगे। बेंगलुरु में नागरिक संशोधन बिल के खिलाफ में असदुद्दीन ओवैसी एक सभा कर रहे थे, उस सभा में एक अमूल्य नाम की एक लड़की आ जाती है और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाकर पूरी महफिल में एक हलचल कर देती है उस सभा में। और जब उस लड़की पे प्रेशर गिरता है, जब एक पुलिस का अधिकारी उस लड़की को पकड़ता है, तो वो लड़की देखती है भय के मारे में और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाती है। तो मैं असदुद्दीन ओवैसी को ये पूछना चाहूंगा कि तुम देश को आखिर क्या मैसेज देना चाहते हो। और अब बात ओवैसी के चहेते नेता वारिस पठान की। वारिस पठान ने जहर का ऐसा कहर ढाया कि मुल्क को 15 करोड़ बनाम 100 करोड़ में बांटने का बयान दे दिया, और अब बयान पर वो अड़ गए हैं। अब वक्त आ गया है, हमको बोला, मां बहनों को आगे भेज दिया, कुछ ब्लैंकेट पर बैठ गए। अरे भाई, अभी तो सिर्फ शेरनिया बाहर निकली है और तुम्हारे पसीने छूट गए, और समझ लो अगर हम लोग साथ में आ गए तो क्या होगा। 15 करोड़ है मगर 100 के ऊपर भारी है, याद रख लेना ये बात। कोई माफी मांगने की इसमें बात नहीं है, आप पढ़िए, फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन है। पब्लिक मीटिंग है, लोगों को समझाना जरूरी है कि बीजेपी हमको अलग करना चाहती है। हम ये बता रहे, देश पे जितना अधिकार इस मुल्क पे मोदी अमित शाह का, उतना अधिकार वारिस पठान का भी है। मैंने हमेशा कहा है, वारिस पठान इज द लास्ट पर्सन टू स्पीक अगेंस्ट एनी पर्सन रिलीजन और अगेंस्ट द कंट्री। तो वारिस पठान बेशक अब सफाई दे रहे हैं, लेकिन मंच से उन्होंने जो कुछ बोला और हिंदू मुसलमान को बांटने की सियासत करने वाला जो बयान दिया, वो भी आपके सामने है।
आइए अब आपको ले चलते हैं शाहीन बाग की तरफ, क्योंकि आज वहां पर एक बार फिर सबकी नजरें रहेंगी, क्योंकि तीसरा दिन है आज बातचीत का। और ये तीन तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं जब वार्ताकार सुप्रीम कोर्ट के वहां पर पहुंचे, लेकिन बातचीत का कोई हल नहीं निकल सका। हालांकि दोनों वार्ताकारों ने आंदोलन के हक की हिमायत की, शाहीनबाग के मिसाल की बात कही और विरोध कहीं और करने की बात भी वहां पर उठी। आज भी दोनों वार्ताकार शाहीनबाग जाएंगे, लेकिन भीड़ की वजह से बात कहीं और हो सकती है, इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं। छोटे छोटे ग्रुप्स में लोगों को बांटकर बात की जा सकती है। कल हमें दादियों का आशीर्वाद मिला खूब सारा, और बहनों से और बेटियों से बहुत सारा प्यार मिला और बहुत सारी इज्जत मिली, उसके लिए भी हम शुक्रगुजार हैं। और कल हमने कहा था कि भारत में हिंदुस्तान में ऐसी महिलाएं हैं, ऐसी बेटियां हैं, तो हिंदुस्तान सुरक्षित है। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने एक हाथ बढ़ाया है, संजय भैया और मैं, हम नहीं चाहते कि शाहीन बाग से आप उठे, बिल्कुल नहीं। अगर हम मिलके शाहीन बाग के इसी एरिया में, इसी सड़क पे, इसी बड़े एरिया में अगर हमें हल निकाले जिससे आपका आंदोलन भी शाहीन बाग में ही बरकरार रहे, और जो पब्लिक है और आप लोग भी ये रोड यूज कर सके, अगर ये हो सकता है तो अगर हमारी बातचीत से कुछ इसमें निकलता है तो बहुत अच्छी बात है। और पूरी कोशिश के बाद अगर बात नहीं बनती तो केस वापस सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और फिर और कोई हमारे पास चारा नहीं रहेगा, फिर सरकार जो करना चाहेगी उसको करना पड़ेगा। शाहीन बाग के ये जो न सिर्फ ये जगह पर जो मुद्दा जो आंदोलन चला है उसे एक देश के लिए मिसाल मान लीजिए, तो सुप्रीम कोर्ट ये ही कह रही है कि प्रोटेस्ट का जो आपका हक है वो बरकरार रहे, प्रोटेस्ट की स्थल या स्थान ऐसी हो जहां दूसरों को तकलीफ ना हो। पर एक 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 दुनिया आपका शायद ये कहना है कि अगर आप यहां से निकले तो और कोई नहीं आएगा सुनवाई के लिए, जब तक हम हैं, जब तक सुप्रीम कोर्ट है आपकी सुनवाई कोई नहीं रोक सकता। इस वक्त हिमांशु मिश्रा जुड़ गए हैं हमारे साथ शाहीन बाग से। हिमांशु आप वहां पर मौजूद हैं और आज का दिन इसलिए अहम क्योंकि खबरें इस तरह की आ रही हैं कि छोटे छोटे ग्रुप्स बनाकर कहीं और बातचीत हो सकती है। देखिए यहाँ पर मैं शाहीन बाग में मौजूद हूँ, दो दिन यहाँ पर पक्षकार आए और उन्होंने बातचीत की शाहीन बाग के लोगों से, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। और एक बात फिर सामने आई थी कि छोटे छोटे ग्रुप्स में इस जगह पर नहीं बल्कि अगल बगल कहीं भी वो जगह हो सकती है जहां पर जो महिलाओं का ग्रुप है 10 से 15 ग्रुप है उनके साथ बातचीत आगे बढ़ाई जाए। इस वक्त हम यहीं पर जो लोग मौजूद हैं उनसे बात करते हैं कि उनकी इस पे क्या कहना है। ये बात सामने आई थी कि यहां पर दो दिन में कोई फैसला निकल पाया, आप लोग लगता है? देखिए ये तो सुप्रीम कोर्ट में के जो लोग आए यहाँ पर उन्होंने काफ़ी अच्छे से धैर्य से सुना है और यहाँ पर सारी बातें हुई हैं, ये तो उन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि मुख्य बात तो ये है ना कि जिस विषय पर ये लोग यहाँ पे बैठे हैं, इस सड़क पे भी बैठे हैं, तभी तो सुप्रीम कोर्ट को आना पड़ा ना। हाँ ये बात तो ये। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत दौरे पर आ रहे हैं, लेकिन उनकी उम्मीदों का पहाड़ और ऊंचा होता जा रहा है। पहले उन्होंने कहा कि अहमदाबाद में 70 लाख लोग स्वागत करेंगे, लेकिन अब उनको लगता है कि आंकड़ा 10 मिलियन तक जा सकता है। ट्रंप दो दिन के दौरे पर 24 फरवरी को पहुंचेंगे और अहमदाबाद के स्टेडियम में प्रधानमंत्री मोदी के साथ प्रोग्राम भी करेंगे, लेकिन उसके बाद उनका आगरा जाने का भी कार्यक्रम है और फिर दिल्ली। लेकिन जो कहा उन्होंने वो सुनिए। Minister Modi said, we will have 10 million people greet you. Here's my problem. We have a packed house. We have a lot of people, thousands of people that couldn't get in. It's going to look like peanuts from now on.
I'll never be satisfied with the crowd if we have 10 million people in India. How can I be satisfied if we fill up like a 60,000 seat stadium? Big deal. I'm getting spoiled. We're not treated very well by India, but I happen to like Prime Minister Modi a lot. And he told me we'll have 7 million people between the airport and the event. And the stadium, I understand, is sort of semi under construction, but it's going to be the largest stadium in the world. So it's going to be very exciting. But he says between the stadium and the airport, we'll have about 7 million people. So it's going to be very exciting. I hope you all enjoy it. Are you going? Are you going, Steve? I hope so. Are you going, Jeff? I hope you're going, too. नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।